Hello student, this is Mithilesh and welcome to the class of Engineers Physics and today we are going to discuss the equivalent resistance between A and B. हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है और हमें A, पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच में हमें एक निकालना है, राइट? मैं आपको ये बता दूं, ये 2011 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था और हम लोग इसको फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है, राइट? अगर आप देखो एक वायर ऐसे कनेक्ट कर दो यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो अगर कोई करंट यहाँ पे आ रही है तो डेफिनेटली इट विल डिवाइड, राइट? दैट मीन्स ये तीनों पैरेलल हो गया, राइट? अब आप देखो जो करंट 3 ओम से जा रही है वही करंट 2 ओम से भी जाएगी सीरीज, तो क्या इसको डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं? 3 प्लस 2 तो ये हमारा क्या हो गया, 5 ओम। जस्ट इसके बिलो क्या है भाई हमारे पास, 30, राइट? इसमें तो अभी हम लोग कुछ सॉल्व किए नहीं है तो एज इट इज रह जाएगा। इसके बाद आप देखो यहाँ पे जो करंट इस 6 ओम से पार हो रही है सेम करंट विल पास थ्रू दिस वन, राइट? सो यहाँ पे 6 और 4 मिल करके हो गया 10। सो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनना है और ये हमारा हो गया 10 ओम और ये पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट इज ए, राइट? अब आप देखो यहाँ पे ये पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया तो डेफिनेटली वी शुड अप्लाई द फॉर्मूला आर पी इज इक्वल्स 1/5 प्लस 1/30 प्s 1/10, राइट? अगर हम लोग इसका देखें एलसीएम तो डेफिनेटली हमारे पास कितना आने वाला है, हमारे पास जो एलसीएम आने वाला है वो 30 आएगा, राइट? सो 5, 6, 36 एंड ये 1 एंड ये 3, कितना हो गया, 6, 3, 9, 1, 10। सो डेफिनेटली दिस बिकम्स 10/30। सो अल्टीमेट दिस इज 1/3, सो 1/RP इज इक्वल्स 1/3, सो दैट इम्प्लाइज वी कैन राइट आर पी इज इक्वल्स 3 ओम, राइट? मतलब ये हमारा एक्चुअली कंप्लीट इस सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया, राइट? सो अब देखो बहुत कम समय में, लगभग 2 मिनट से भी कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हो काफ़ी आसानी से। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल इंजीनियर्स फिजिक्स। थैंक यू।